हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका दोबारा से एक नए गेम प्ले वीडियो में। और आज का गेम प्ले वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा भाई खोलने वाला है आज की वीडियो में एक कपड़े का दुकान। और कपड़े के दुकान में भाई अच्छी खासी कमाई होती है, यही सोच के मैं कपड़े का दुकान खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता हूँ। बट मेरे पास पैसे नहीं था, तो मेरे को उधार लेके भाई कपड़े का दुकान खोलना पड़ा। और अब मेरे को जल्दी से पैसे कमा के उधार चुकाना पड़ेगा, नहीं तो जिसने हमें उधार दिया है भाई वो हमारी बैंड बजा देगा। तो भाई गेम में बहुत ज्यादा मजा आने वाला, गेम को लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फाइनली गाइस टाइम आ चुका है अपने शॉप के ओपनिंग का। यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं, नेम योर स्टोर। तो हमें अपने स्टोर का नाम रखना पड़ेगा, जो कि मैं रख देता हूँ ट्रेंडिंग क्लॉथ शॉप। ट्रेंडिंग क्लॉथ शॉप ये अच्छा नाम लग रहा है, अपने नाम पे नहीं रखूँगा, नहीं तो फिर ऑकवर्ड से लगने लगेगा। यहाँ पर मैंने सेव कर दिया है। लुक अराउंड, मूव अराउंड, ओके। फॉलो ऑब्जेक्टिव टू गेन बोनस। ओ यहाँ पर मेरे पास कुछ मिला है, ये एक शर्ट है, ब्लैक टी शर्ट है, इसे मेरे को ओपन करना हो। यहाँ पर जाके सेल्फ पे लगाना है, जिससे कि भाई साहब बहुत सारे हमारे कस्टमर आएंगे और इसे खरीदेंगे। बहुत बढ़िया। अब मेरे को क्या करना है, इसे ले जाके बाहर डालना है इस बिन में। तो यहाँ पर मैं इसको थ्रो करना है, यहाँ पर मैंने थ्रो कर दिया है। और यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है, ओ वेट, इसका प्राइस भी तो सेट करना है। पूरा फुल कर दूंगा क्या यार, पूरे फुल में $2.19 है, मेरे को लगा $20-50 का कर दूंगा। और यहाँ पर अब करते हैं अपने शॉप को ओपन और देखते हैं कितने कस्टमर आएंगे। और ये क्या है भाई, टैप टू चेकआउट। ओ यहाँ पर हम बिलिंग करने वाले हैं, बढ़िया। पहले देखते हैं भाई, कस्टमर हमारे आने स्टार्ट हो चुके हैं। बट ये एक औरत है, और यहाँ हमने आदमियों के कपड़े रखे ना, हाँ आदमियों के ब्लैक टी शर्ट है। और अब मेरे पास $40 है, तो मैं एक काम करता हूँ, कपड़े कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ क्या यहाँ से। वेट, पीसी पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर ये $4 में 12 पीस आ रहे हैं, 12 सबको एक एक मंगा लूँ क्या। ये जीन्स और ये, और ओ वेट आउट ऑफ बजट हो चुका है, एक काम करते हैं इनको करते हैं कम। और यहाँ पर मैंने डिलीवरी दे दी है, नेक्स्ट डिलीवरी। अच्छा एक मिनट में हमें डिलीवरी आएगी। और यहाँ पर अब ये हम बिलिंग करने वाले हैं, बढ़िया। और इसने कैश दिया है, और अब मेरे को इसे चेंज देना है $1.24। और यहाँ पर बहुत सारे नोट है चेंज देने के लिए। ओके ओके, 1 2 3 4, अरे यार बड़ा झंझट है यार इसमें तो यार कार्ड वार्ड दो, पेटीएम वेटीएम करो। वेट, इसने कार्ड दिया है, और अब मेरे को $2.19 काटना है, मतलब कार्ड में जितना बिल होगा उसका मैं पेमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर इन्होंने मेरे को कैश दिया तो मेरे को छुट्टे देने पड़ेंगे भाई, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है यार, क्योंकि इतने सारे नोट है, इतने सारे चिल्लर है। ये देखो कितना मस्त है, कार्ड से आराम से पेमेंट हो रहा है। बट अगर इसने मेरे को कैश दिया तो देखना, अब $5.62 देना है, तो 5 का एक नोट देता हूँ, 50 का एक देता हूँ, 10 का एक सिक्का देता हूँ, और 2 का ये। देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा झंझट है यार इस सिक्के में। यहाँ पर एक और आदमी आ चुका है, और हमारा डिलीवरी भी आ चुका है, तो जल्दी से इसे उठाते हैं। और अपना भाई एकदम, जो इससे कर्जा लेके हमने दुकान खोला है ना, ये छोटा सा बट बढ़िया है, तो भाई हम उसका कर्जा भी चुका देंगे जल्दी से। यहाँ पर जल्दी से इसे प्लेस कर देते हैं यार, यहाँ पर पहले दिन देखते हैं हम कितना प्रॉफिट बना पाते हैं। भाई हमारे पास $40 था, और अभी मेरे पास $22 है, और यहाँ पर मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर कर लिए हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ये देखो भाई पूरे 10 या 12 पीस थे जो भी सब बिक चुके हैं। यहाँ पर जल्दी से चलते हैं, बिलिंग कर देते हैं यार। अंकल जी कितने रुपये आपके मेरे को वापस देने हैं, $3.50, और ये बढ़िया भाई सब, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार इस कैश में। आंटी जी आई हैं, मतलब दीदी जी आई हैं, गुस्सा मत होना, कहीं भाग गई कि आंटी बोल रहा है। ये देखो भाई ये लड़कियां क्या करेंगी, मतलब लड़कियां लड़कों का शर्ट खरीद के क्या करने वाली है मुझे नहीं पता। और ये लड़कों का, वेट, इसका तो मैंने प्राइस सेट ही नहीं किया। अरे यार रहन दो भाई, मेरा नुकसान हो जाएगा यार। वेट, अब मैंने इसका प्राइस सेट कर दिया, पूरा फुल करके रखेंगे भाई प्राइस, बहुत ही ज़्यादा हम प्राइस करने वाले हैं, क्योंकि तभी तो कमाई होगी यार। यहाँ पर देखते हैं कितने डॉलर देगा, 5.80 मेरे को इसे वापस करना है, 50, 25, 5 और 0, बहुत ही बढ़िया। मैं सीख रहा हूँ भाई, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, यहाँ पर मैं काम करना धीरे धीरे सीख रहा हूँ। 2.20, यहाँ पर हमारा एक और डिलीवरी आ चुका है, तो जल्दी से चलते हैं, इसे पहले लगा देते हैं भाई। यहाँ पर ये एक मैन का वाइट ड्रेस शर्ट है, तो यहाँ पर जल्दी से इसे ओपन करते हैं, और ओपन करके यहाँ पर जल्दी से हम इसे प्लेस कर देते हैं, क्योंकि भाई कपड़े बहुत कम हैं और यहाँ पर हमारे कस्टमर लाइन पर लाइन लगाए जा रहे हैं। तो भाई जल्दी जल्दी हमें और सारे आइटम रखने पड़ेंगे, ताकि भाई ये अपने आइटम आराम से खरीद सकते बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पर चलते हैं, बिलिंग कर देते हैं, 2.20, जाइए जी जल्दी जाइए, कार्ड वार्ड लेके आओ भाई, दिक्कत होती है यार वैसे बिलिंग करने में। 2.20 बहुत ही बढ़िया,
और यहाँ पर आप कैश वैश लाएंगे, पक्का कैश लाएंगे। ओ वेट, इनको तो मेरे को देना ही नहीं था बिलिंग, बट ये खड़ा क्यों था जब कुछ देना ही नहीं था इसे। एक मिनट, इसे मैं ऑर्डर कर लेता हूँ और इसे ऑर्डर कर लेता हूँ। नहीं, जींस मैंने मंगाई है, वेट जींस तो मैंने मंगाई है यहाँ पर। चलो देखते हैं भाई कितने टाइम में आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर, 43 सेकंड में आने वाला है। और ये क्या रात बात हो रही है क्या यार? रात बात मत हो यार, कमाने का टाइम है, तुम 2 मिनट में रात कर दिया यहाँ पर। ये देखो भाई सब रात सा हो रहा है कुछ, और कस्टमर अब आने बंद हो चुके हैं। वेट, यहाँ पर क्या है, डे वन समरी, टोटल 14 कस्टमर आए और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? टोटल स्पेंडिंग $73, टोटल रेवेन्यू $41 और दस। ओके, तो बैलेंस मेरे पास $8.58 बचा हुआ है। और यहाँ पर रात हो चुका है तो मेरे को दिन का वेट करना पड़ेगा यहाँ पर बैठे बैठे। तो क्या मैं अपने शॉप को क्लोज़ कर दूँ? वेट, क्लोज़ हो चुका है भाई, गेट वेट नहीं है क्या मेरे शॉप में? हेलो भाई, गेट तो दे देता यार। ओ वेट वेट, स्किप कर सकते। ओ वेट, मॉर्निंग हो चुकी है, मेरे को लगा भाई वेट करना पड़ेगा बट मॉर्निंग हो चुकी है। और अपने शॉप को जल्दी से ओपन कर देते हैं क्योंकि भाई हमारा नेक्स्ट डिलीवरी भी आने वाला है 10 सेकंड में। डिलीवरी आता कहाँ से? ऊपर से गिर जाता है क्या? वेट, मेरे को देखना पड़ेगा भाई सामने से आता कहाँ से डिलीवरी। यहाँ पर डिलीवरी आएगा। वेट यार, ये क्या हो रहा है यार? ये रेटिंग दे देते हैं भाई जल्दी से इन्हें। और ये डिलीवरी आया यहीं से, सामने से आई डिलीवरी। और जींस भी आ चुका है हमारे, तो बढ़िया भाई। जींस अभी नहीं था, अभी तक भाई सब शर्ट खरीद के ले जा रहे थे बट भाई हमने जींस भी ऑर्डर कर दिया। और यहाँ पर जल्द चलते हैं, इसको फेंक देते हैं यार, बहुत ज़्यादा काम है। हमारे कस्टमर भी आने स्टार्ट हो चुके हैं और अब मेरे पास सिर्फ $8 बचे हुए। मैंने सब कुछ स्पेंड कर दिया है भाई, जल्दी से मेरे को इसे पूरे खुले देने पड़ेंगे। 50, जाइए जाइए जल्दी जाइए। यहाँ पर चलते हैं, अपने नेक्स्ट अंकल जी आ चुके हैं और यहाँ पर इनको 1.20। नहीं नहीं नहीं, मैंने सेट नहीं किया भाई, मैंने जल्दी से सेट नहीं किया यार, मेरे को पहले प्राइस सेट करने दो। रुक जा रुक जा रुक जा मैडम जी, रुक जाइए रुक जाइए मैडम जी, प्राइस बढ़ाने दो पहले मेरे को। इसका प्राइस मैंने सेट कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मेरे को प्राइस सबका सेट करना पड़ेगा भाई, मैं नुकसान नहीं झेल सकता क्योंकि भाई मैं खुद ही कर्जे में डूबा हुआ हूँ। कर्जे में मैंने डूब के भाई साहब, मतलब कर्जे से मैंने शॉप खोला और इसमें मैं प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर रहा, तो भाई प्रॉफिट कैसे होगा? जल्दी जल्दी जाइए, जल्दी जल्दी जाइए और यहाँ पर जल्दी जल्दी आइए, वापस ज़रूर आइएगा। और ये देखो भाई, चिल्लर में 10 का 1 सिक्का दे सकता था बट भाई मैंने 5-5 के 3 दिया। और ये देखो भाई, इस बार इसने अच्छी ख़रीदारी की भाई, सबसे महंगा कस्टमर आ चुका है बट मैं आपको गिफ्ट नहीं दूंगा, आप जाइए ऐसे ही जाइए और जल्दी से लौट के वापस आइएगा। ओ वेट वेट, ओ तो थोड़ा महंगे महंगे कस्टमर आ रहे हैं, इनको मेरे को खुला ही नहीं देना। और $49 अभी मेरे पास बचे हुए हैं और ये दोबारा आ गया भाई। वेट वेट वेट, अभी इस साइड से गया था ना, वेट ये दोबारा आ चुका। ओ वेट, वो देखो, ओ हमशकल है भाई सब इसके, हम सकल आए जा रहे हैं, मतलब एक ही दोबारा आए जा रहे हैं। यहाँ पर एक शेल्फ खाली है तो यहाँ पर जल्दी से हम प्लेस कर देते हैं और इसका प्राइस मेरे को सेट करना, पहले मैं इसे यहीं थ्रो करूँगा उसके बाद इसका प्राइस सेट करूँगा। आपको वेट करना पड़ेगा भाई और बहनों थोड़ी टाइम के लिए, नहीं तो मैं प्राइस सेट करना भूल जाता हूँ, उसमें मेरा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर इसे थ्रो करते हैं और जल्द चलते हैं भाई, लाइन लग चुका है, 2 कस्टमर हमारा वेट कर रहे हैं। और इस बार ये एक ही खरीद के लाया और इस बार ये कैश लाया है, बढ़िया है। यहाँ पर दीदी जी आ चुकी हैं, इनका हम बिलिंग कर देते हैं जल्दी से 2.20 का। और यहाँ पर एक और अंकल जी आए हैं, इनका भी बिलिंग कर देंगे। यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा ख़रीदारी किया है बट जो सबसे अच्छा ज़्यादा ख़रीदारी किया वो $18.80 के समथिंग हुआ है। यहाँ पर इनको मेरे को खुला देना पड़ेगा 5-5-1-2। ये देखो, ले जाइए चिल्लर, बोलता हूँ कार्ड वार्ड लाया करो बट तुम्हारे चिल्लर से मैं तो परेशान हो चुका हूँ। यहाँ पर मेरे को और कुछ मंगाना चाहिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरे को एक ये मंगा लेना चाहिए, $36 फिर मैंने स्पेंड कर दिए हैं। यहाँ पर ये देखो बास्केटबॉल का ये भाई टी शर्ट, ये बहुत ज़्यादा महंगा है बट एक पीस भी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो यहाँ पर अच्छी बात है भाई, जल्दी जल्दी कमाई हो रहा है अपना। और यहाँ पर एक और अंकल जी आ चुके हैं बास्केट वाला कपड़ा लेने के लिए, मतलब बास्केट टी शर्ट लेने के लिए बास्केटबॉल का। और हमारा नेक्स्ट डिलीवरी आने वाला है 22 सेकंड में और ये रात को ज़्यादा जल्दी नहीं हो जा रही? अरे भाई थोड़ा काम वाम करने दो यार, तुम रात 2 मिनट में कर दे रहे हो। 1.93, तो 50, 25, 10, 5, 1, 2, 3 देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई ये, कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हमारा आने वाला भाई डिलीवरी। यहीं से आएगा डिलीवरी और ये आया हमारा डिलीवरी, ऊपर से गिरता। ओ एक साथ ही दोनों आ गए क्या? बढ़िया है भाई सब, इसे ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं इसे प्लेस नहीं प्लेस नहीं कर सकता। वेट, जो इन साइज़ के हैं मतलब जिस टाइप के हैं उसी टाइप का मैं प्लेस कर सकता हूँ। और यहाँ पर भाई स्किप भी करने का टाइम आ चुका है और यहाँ पर पहले इनका बिलिंग कर देते हैं, यहाँ पर बिलिंग कर देते हैं। कह रही होगी कि रात को आई हूँ और सुबह भेजा है, बताओ भाई दिक्कत हो जाएगी ना। यहाँ पर जल्दी से इनका बिलिंग कर देते हैं, आप जाइए मैडम। यहाँ पर क्लोज़ करने का टाइम आ चुका है अपने शॉप को और उसके बाद मॉर्निंग में अपने शॉप को ओपन करने वाले हैं। वेट, ये दोनों सेम सेम तो है,
बट ये लग क्यों नहीं रहा, ये वुमेन का है और ये मैन का है, मेरे ख्याल से ये मैन का है। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर हमारा एक और, ये देखो यहाँ पर मेरे को स्किप करते हैं जल्दी से रात को, और यहाँ पर मेरा सुबह भी हो चुका है और मेरे पास भाई सेल्फ ख़रीदना पड़ेगा। भाई सेल्फ कितने का ये मेरे को देखना पड़ेगा जाके, पहले सेल्फ देखते हैं। भाई फर्नीचर में चलते हैं, 100 का सबसे सस्ता सेल्फ है और मेरे पास $74 है, तो मैं सेल्फ तो नहीं खरीद सकता जब तक मैं, अच्छा इस सेल्फ को खाली होने का मैं वेट कर सकता हूँ जब तक ये खाली होंगे। मैम जी आप, सर जी आप ये ऊपर वाला ख़रीद सकते हैं? आपने नीचे मतलब ऊपर पकड़ा लेकिन नीचे का सामान कैसे निकला, ये कौन सा जादू था भाई, कौन सा जादू था? यहाँ पर एक बॉडी बिल्डर आ चुका है, इसको मेरे को देना है 13 पैसे वापस। 1 2 3 जाइए आप यहाँ से, लेके जाइए जल्दी से। यहाँ पर मेरे को जल्दी से एक सेल्फ के खाली होने का वेट करना पड़ेगा ताकि भाई मैं अब दूसरे कपड़े वहाँ प्लेस कर सकूँ। यहाँ पर फिर से आ चुके हैं हमारे अंकल जी, सबसे महंगे वाले अंकल जी, जिन्होंने भाई सबसे ज़्यादा ख़रीदारी की थी। तो यहाँ पर 6.87 का, इस बार भी भाई थोड़ी महंगे महंगे चीज़ लेते हैं अंकल जी। और यहाँ पर आ चुके हमारी आंटी कम दीदी जी, यार यहाँ पर $5.52 का बिलिंग कर देते हैं। और भाई ये नीचे का बहुत ज़्यादा बिक रहा है बास्केटबॉल वाला, और खाली हो चुका है क्या एक सेल्फ? ओ वेट, एक सेल्फ खाली हो चुका है, जल्दी से इसे प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर जल्दी से ओपन करते हैं, यहाँ पर इसे थ्रो क्यों करना भाई, थ्रो नहीं करना भाई, थ्रो नहीं करना, इसे प्लेस कर देते हैं जल्दी जल्दी, प्लेस 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 प्लेस। और यहाँ पर जल्दी से इसे उठा के बाहर फेंक देते हैं ब्रो, क्योंकि अपना भाई दूसरा भी डिलीवरी आ चुका है और अभी हमारे पास सेल्फ बिल्कुल खाली नहीं है। मेरे ख्याल से अब सेल्फ एक खाली हो जाएगा, जल्दी से इसे उठाते हैं और यहाँ से जल्दी से इसे ओपन करते हैं और यहाँ से जल्दी से इसे प्लेस कर देते हैं। भाई आपको सबको अभी वेट करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि भाई मैं अब अपना कपड़ा थोड़ा प्लेस व्लेस कर लूँ। वेट मैंने प्राइस सेट नहीं किया, मैं प्राइस सेट नहीं किया, मैं भाई सब नुकसान में आ सकता हूँ। देख रहा भाई प्राइस सेट नहीं कर रहा, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। यहाँ पर भाई ये लाइन लग चुकी यार, चल पहले बिलिंग कर देते हैं उसके बाद जाके अपना प्लेन वन सेट करेंगे भाई, प्राइस व्राइस सेट करेंगे। क्या बोल रहा हूँ भाई, प्लेन कौन सेट करता है यार। यहाँ पर जल्दी जल्दी बिलिंग कर देते हैं $3.88। जाइए अंकल जी दोबारा आइएगा, यहाँ पर देखते हैं इनका कितना है 5.12। जाइए जल्दी जल्दी, जाइए जल्दी जाइए, दोबारा आइएगा ज़रूर। यहाँ पर 15.94 भाई, अब थोड़ी इनकी रेंज बढ़ रही है, मतलब भाई अभी थोड़ा कमाई हो रहा है और इनका भाई रेंज बढ़ रहा है 10 10 10 और 1 2। चलिए 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 जल्दी 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 ऑर्डर प्रोडक्ट 3। यहाँ पर मेरे को 3 प्रोडक्ट ऑर्डर करने, मैंने इतने सारे तो प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए। वेट बहुत सारे कपड़े आ चुके हैं, अपन ओपन करते हैं इसे, यहाँ पर प्लेस करते हैं जल्दी से सबको, और यहाँ पर यहाँ से जल्दी से ले चलते हैं और इसे फेंक देते हैं, थ्रो करते हैं भाई स्पीड में। और यहाँ पर एक और बचा हुआ, इसे भी जल्दी से ओपन कर देता हूँ। भाई मेरे को प्राइस सेट करना है, ये मैं भूल नहीं सकता प्राइस सेट करना, तो यहाँ पर जल्दी से चलते हैं और इसे उठा के इस डस्टबिन में फेंक देते हैं। यहाँ पर मेरे को दोनों का प्राइस सेट करना है, जल्दी से करते हैं। इनका साइड प्राइस, इसका प्राइस पहले से सेट है और यहाँ पर इसका प्राइस मेरे ख्याल से सेट होना चाहिए, सबका प्राइस सेट है। बढ़िया है, भीड़ लग चुकी है, चलते हैं जल्दी से। और यहाँ पर मेरे को अब कुछ ऑर्डर भी करना पड़ेगा, 10 20 30 और 1 2। यहाँ पर मेरे को ऑर्डर भी करना पड़ेगा, पहले 3 चीज़ मेरे को ऑर्डर करना है, जो कि मैं करने वाला हूँ। एक बास्केटबॉल और रेड बास्केटबॉल टैंक टॉप और एक ये 14 जो महंगे महंगे हैं वो करूँगा, क्योंकि जो महंगे महंगे भाई महंगे महंगे ही रेट पे जाते हैं। यहाँ पर अभी भी मेरे पास $76 है, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया भाई 25 50। और यहाँ पर जाइए जल्दी जी, और यहाँ पर एक आंटी जी आई हैं, इन्होंने क्या ख़रीदारी की है, $1.68। बस इतना सस्ता ख़रीदारी, इतना नहीं चलेगा, थोड़ा महंगा महंगा ख़रीदो यार। वेट भाई मेरे पास महंगा सामान ही नहीं है, अभी सो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक भाई मैं आराम से इन सबको बेचता हूँ। और यहाँ पर मैंने 3 प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया और यहाँ पर रात हो चुका है, तो यहाँ पर मेरे को जल्दी से नाइट को स्किप करना पड़ेगा, इसे क्लोज कर देते हैं क्योंकि भाई कोई आ गया रात में भटकते भटकते। वैसे मंडी में बस मेरा ही दुकान खुला है क्या, इस मार्केट में बस मेरा ही दुकान खुला है और किसी का दुकान वुकान नहीं खुला? मैं अगर कहीं कॉफ़ी पीने जाऊँ तो क्या मैं नहीं जा सकता? ये देखो सामने कॉफ़ी की दुकान है और यहाँ पर मैं नहीं जा सकता। वेट यहाँ पर मेरा पैकेज डिलीवर हो चुका है, तो जल्द चलते हैं, बट सामने तो स्पेस ही नहीं है, मेरे पास सेल्फ ही नहीं है। यहाँ पर करते हैं मॉर्निंग को स्किप और मतलब नाइट को स्किप, और यहाँ पर अपने जो भी अपना शॉप है इसे ओपन करते हैं और इसे भाई जल्दी से यहाँ पर थ्रो कर देते हैं ताकि जैसे ही सेल्फ खाली हो वैसे मैं इसे प्लेस कर सकूं। और यहाँ पर एक सामान हमारा डिलीवरी हो चुका है और 2 सामान और प्रोडक्ट हमारे डिलीवरी करना है। देखो ऊपर लिखा हुआ है, पता नहीं इसके बाद क्या होने वाला है, मेरे ख्याल से कुछ नया प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है, मैं अभी पैसे बचा के रखूँगा क्योंकि भाई नया जब प्रोडक्ट होगा तो नया प्रोडक्ट खरीदना भी तो पड़ेगा। 2.20 इनका बिलिंग कर देते हैं अंकल जी, मतलब भाई जी दोबारा ज़रूर आइएगा। ये बॉडी देखो भाई इसके,
इसके बॉडी वॉडी देखो, हमारे साथ कस्टमर बहुत सारे आ चुके हैं भाई, जल्दी जल्दी सुबह होते भाई कस्टमरों की एकदम से लाइन सी लग जाती है। 2.19 बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। मेरे पास महंगे महंगे कपड़े नहीं है इस टाइम, बट जितने हैं काम चल जाते हैं भाई तुम्हारे भाई के। यहाँ पर जल्दी चलते हैं, इनका बिलिंग कर देते हैं 1.68। बढ़िया 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 भाई, अभी अच्छी खासी कमाई चल रही है। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, थोड़े महंगे महंगे सब में से भाई पाँच पाँच उठा के लाओ यार सब, तब मज़ा आएगा ना कुछ। ओए ओए बोलते ही ले आया भाई, बट 1.2 बट ज़्यादा मतलब महंगा बिल नहीं बैठा। क्या कर रहा हूँ भाई मैं, क्या कर रहा हूँ। 1, 2, 3 जाइए जी, जल्दी जाइए यहाँ से, और अपने आगे वाले कस्टमर को आने दीजिए, भीड़ भीड़ मत लगाइए, ताकि भाई जल्दी जल्दी हमारी कमाई हो सके। और घूम के वापस आइए, क्योंकि भाई जो जा रहा है वही घूम के वापस आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर $96 हो चुके हैं मेरे पास, और एक और डिलीवरी मेरी आ चुकी है, बट मेरा केयर कोई भी सेल्फ खाली नहीं है। और यहाँ पर जल्दी चलते हैं, इनका बिलिंग कर देते हैं $4.2.61 के करीब मेरे को इनको वापस देना है। बढ़िया 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 बढ़िया, मैं मतलब एक्स्ट्रा एक भी पैसे नहीं दूंगा, और ना एक्स्ट्रा इनसे एक भी पैसे काट सकता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात की। नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि इनका पूरा ATM ही हैक कर लूं, बट $102 है मेरे पास। और अब मेरा एक डिलीवरी आने वाला है, जो कि भाई बहुत टाइम लगा रहा है, तो जल्दी से बुला लेते हैं। ऑर्डर फर्नीचर, वेट, मेरे को फर्नीचर ऑर्डर करना है, और फर्नीचर ऑर्डर करने के लिए भाई मेरे को $100 चाहिए, और $100 ही मेरे पास, तो जल्दी से कर लेते हैं भाई। एक सेल्फ ऑर्डर सस्ता वाला ही करूँगा भाई, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से मतलब सस्ते सस्ते वाले करूँगा, यही मंगा लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं इसे। और यहाँ पर ऑर्डर हो चुका है हमारा सेल्फ, और ये आएगा हमारा 1.5 मिनट के करीब में, तो यहाँ पर जल्दी से इनका बिलिंग कर देते हैं। यहाँ पर $5.32 मेरे को वापस देना है। फिट, ये मैंने ज़्यादा दे दिया क्या, ये इसने ऐसे हाथ क्यों उठाया। और भाई मैं ज़्यादा नहीं दे सकता ना, क्या पता ज़्यादा मैं इसका ज़्यादा काट के रखूँगा। रुक देखो मैं कम देता हूँ, वेट इसको तो देना ही नहीं है। आइए अंकल आपको मैं एक बार देखूँगा कम दे के, यार ख़त्म हो जाए यार, मेरे को जल्दी जल्दी दूसरे शेल्फ मंगाओ भाई, कहाँ है दूसरा शेल्फ, मेरे भाई कपड़े इंतज़ार कर रहे हैं यार। और यहाँ पर ये अंकल जी, इनका मैं ज़्यादा पैसे काट के देखूँगा, इनको कम दे के देखता हूँ लेते हैं कि नहीं। 1, 2, 3 अरे 1, 2, 3 और 10, 20 जाइए, नहीं नहीं लेना, मतलब भाई मैंने सही दिया होगा। उस लड़की ने फिर हाथ क्यों उठाया, ऐसे जैसे कि जंग जीत गई हो, मतलब उसे मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हो। यहाँ पर 1.99 काट सकता हूँ, नहीं 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 काट, ओ कैसे देख रहा है, ओए इतना काटूँ है ही नहीं तेरे पास क्या, फेट भाई कैसे देख रहा था। 1.68 जाइए अब निकल यहाँ से, मतलब इज्जत से बोल रहा हूँ, जाइए सर वापस ज़रूर आइएगा। यहाँ पर मैंने इनका बिलिंग कर दिया है, $20 बचे हुए हैं, और ये नाइट हो चुका है वापस से, तो जल्दी से क्लोज़ कर देते हैं, और उसके बाद भाई वेट करते हैं मॉर्निंग का। तो फाइनली गाइस मॉर्निंग हो चुका है, ओपन करते हैं अपने शॉप को। हमारा सेल्फ आने में कितना टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लग रहा है यार सेल्फ आने में, काम करते हैं यही आने वाला है सेल्फ, तो इनको पहले मैं अंदर फेंक देता हूँ, ताकि भाई सेल्फ गिरे तो ये दबे ना, मेरे कपड़े अंदर ना घुस जाए यार, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, ऐसे महंगे महंगे मैंने सामान मंगा रखे हैं। यहाँ पर इसे फेंक देते हैं, यहाँ पर चलते हैं और इसे उठा के इस साइड फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, और स्पीड अप करते हैं भाई, जल्दी आ भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अब शेल्फ तू यहाँ पर आ, ओ इसे मेरे को होल्ड करके पिकअप करना पड़ेगा, वेट सेल्फ उठ चुका है, और यहाँ पर मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ, और इस साइड ही मैं इसे प्लेस करने वाला हूँ, रेड हो रहा, और यहाँ पर मैं इसे प्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पर जो भी कपड़े हैं सारे इसके अंदर मैं प्लेस करने वाला हूँ। ओपन करते हैं और यहाँ पर जल्दी जल्दी प्लेस कर देते हैं, बिल्कुल वैसा ही सेल्फ है बट हमारे काम का है। और यहाँ पर जल्दी से इसका प्राइस सेट करते हैं, जो कि पहले से मैंने सेट कर रखा था। यहाँ पर बाय ए न्यू लाइसेंस, ओ मेरे को न्यू लाइसेंस को बाय करना है क्या, वेट यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर जल्दी जल्दी प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर थ्रो कर देते हैं, बाद में उठा के फेंकेंगे, मतलब अभी थोड़ी देर में उठा के फेंकने वाला हूँ भाई, क्योंकि कबाड़ा होगा तो क्या पता कस्टमर भग जाए, कहेंगे कैसा दुकानदार है यार। यहाँ पर भाई साहब उसने पूरे हालत ख़राब कर दी, मतलब गंदगी कर दिया है। यहाँ पर जल्दी से इसे भी थ्रो कर देते हैं, और एक डिब्बा था, और ये देखो भाई लाइन लग चुकी है यार, कस्टमर अब गुस्सा ना हो जाए, जल्दी से इसे ओपन करते हैं, और यहाँ पर जल्दी से, अरे थ्रो नहीं करना भाई, प्लेस करना है, प्लेस ये रहा प्लेस, तो यहाँ पर मैंने जल्दी से इसे सबको प्लेस कर दिया है। और यहाँ एक काम करते हैं भाई, जल्दी से इसको फेंक देते हैं और बिलिंग कर देते हैं भाई, जल्दी से एक बार बिलिंग कर देते हैं, नहीं तो भाई गुस्सा हो गए ना तो भाई भग जाएंगे सब। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं 1.2 जाइए जाइए मैडम जी, आगे वाले को आने दीजिए जल्दी से। यहाँ पर सर जी आपको कितना देना है, 1, 2, 3, 1, 2 जल्दी जल्दी जाइए सर, जल्दी जल्दी जाइए। अब मैडम जी आ चुकी हैं, ये भी कैश लाइए 5.5
$5.81 के करीब मेरे को इनको देना है, $5.81 के करीब मेरे को इनको देना है, 5.80। तो 50 का एक, 25 का एक, 5 का एक, बढ़िया है। और ये रात भाई बहुत जल्दी होती है भाई, ये देखो यहाँ पर मैं पांचवे लेवल पे आ चुका हूँ, 5.61। चलिए पूरा मैंने भाई क्लियर कर दिया है। मेरे को एक लाइसेंस बाय करना है, और लाइसेंस बाय करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेट यहाँ पर मेरे को लाइसेंस बाय करना है, और लाइसेंस मेरे ख्याल से पर्स का बाय करना है। वेट मतलब पर्स कुछ नया आइटम ऐड होगा। यहाँ पर मैंने ट्राई यूजिंग गार्बेज कलेक्शन सर्विस, वेट मेरे को गार्बेज कलेक्शन सर्विस ये भी है क्या, मतलब गार्बेज खुद ही कलेक्ट हो जाएगा। देखते हैं गाइस गार्बेज कलेक्शन किस साइड है, किस साइड है, ग्रोथ सर्विस। वेट गार्बेज कलेक्शन के लिए मेरे को 20 ये जो है स्पीड अप का ये देना पड़ेगा। एक बार दे के देखते हैं भाई परचेस, मतलब ये टारगेट है तो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा ना। वेट गार्बेज कलेक्ट हो चुका है, वेट गार्बेज कलेक्ट हो चुका है, वो अपने आप ही गार्बेज कलेक्ट हो चुका है। और ये देखो भाई सामने का हमारा पूरा सामान ख़त्म हो चुका है। और ये क्या, ये भाई स्टक मत हो, हेलो भाई ये भाग क्यों रहा भाई, ये क्या ढूंढने आया था भाई। कैंट रीच द आइटम आई वॉन्ट आई एम गो, ओह वेट जो ये ढूंढने आया था वो तो मिला ही नहीं से, मतलब भाई पर्स ढूंढने आया था, पर्स नहीं मिला इसे। वेट पर्स के लिए भाई फर्नीचर मेरे को मंगाने पड़ेंगे, और फर्नीचर भाई पर्स के बगैर मैं भाई फर्नीचर के बगैर पर्स नहीं मंगा सकता। और वो है भाई $200 के, बट अभी मेरे पास गिने चुने पैसे हैं, मेरे को भाई पहले कमाने पड़ेंगे पैसे। पर्स ज़्यादा महंगे तो नहीं है यार, पहले पर्स का रेट देख लेता हूँ। बट पर्स ज़्यादा महंगा नहीं है, बट वो जो रखने का फर्नीचर वो बहुत ज़्यादा महंगा है। और यहाँ पर अब कस्टमर कम हो रहे हैं, क्योंकि जो उनको चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा। भाई यार आओ यार, मैं इतने तुम्हारे लिए कपड़े रख के लाया हूँ यार, तुम फिर भी नौटंकी कर रहे हो। देखो वेट कर रहा है कि सामान आएगा, बट इसे मिला नहीं तो ये जा रहा है। मतलब ये क्या बात होती है, तुम जा रहे हो यहाँ पर, ये क्या है भाई साहब, यहाँ पर एक ब्लैक फोर शूज़ है, और यहाँ पर मेरे पास भाई शेल्फ नहीं, मतलब फर्नीचर नहीं है भाई पर्स का। तो अब मेरे को थोड़ा सा कमाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कर देते हैं भाई क्लोज अपने शॉप को। और यहाँ पर रात भी हो चुकी है, तो इस बार हमने कमाए हैं बस $13 कमाए, और आज सिर्फ 6 कस्टमर आए। मतलब डे 5 में हमारा बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस था, क्योंकि हमने नया लाइसेंस खरीदा पर्स का, और पर्स के लिए कस्टमर आ रहे थे, बट पर्स का सेल्फ ही नहीं था। तो भाई पर्स हम रखेंगे कहाँ, वैसे मैं पर्स ऑर्डर कर लेता, बट सेल्फ उसका $200 का था। इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, बट गाइज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पैसे कमाऊँ और पर्स का सेल्फ खरीदूँ, और उसके बाद पर्स ऑर्डर करूँ, जिससे भाई कस्टमर खुश होकर जाए। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद प्लीज वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर नहीं हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई कमेंट में ज़रूर बताना भाई मैं अपने शॉप को कैसे अपग्रेड करूँ। तो गाइज आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।